गुस्साए बादलों के बीच जिस तरीके से लहरें उठी और वो लहरें जिस तरीके से जानलेवा बन गई, ये हमने आपको दिखाया। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक का जायजा लिया मेरे सहयोगी रवि शर्मा और मनोज वर्मा ने। और इस वक्त हम पहुंचे हैं स्टेज पर, जैसे गुप्तकाशी का वो बेच है जहाँ से रात का चला जा रहा है। मनोज बात करते हैं, यहाँ पर अब तक कितने लोग बचाए गए? देखिए यहाँ पर हमारे साथ ऑफिसर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप सर ये बताइए कि अब तक कितने लोग यहाँ से बचाए जा चुके हैं? मैं उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो है पुलिस मुख्यालय आपदा कंट्रोल एसपी नीलेश आनंद धरने बोल रहा हूँ। यहाँ जो है हमारे सभी सेना के हमारे एनडीआरएफ के आईटीबीपी के सारे जवान यहाँ लगे हुए हैं। तो लगभग जो है कल रामबाड़ा में जितने थे सारे कल रामबाड़ा में रेस्क्यू किए जा चुके थे, करीब 400-500 लोग थे। तो आज जो है केदारनाथ में टोटल रेस्क्यू होने की संभावना है, केदारनाथ जो है शाम तक पूरा टोटल रेस्क्यू हो जाएगा। अभी तकरीबन कितने लोग केदारनाथ में फंसे हुए हैं और कब तक उनको रेस्क्यू करा लिया जाएगा? केदारनाथ में 100 से ज्यादा यात्री हैं और शाम तक केदारनाथ खत्म हो जाएगा। सारे फोर्स के मिला के और अन्य साधु और यात्री उसमें 30-40 यात्री होंगे, बाकी सारे मिला के 100 के ऊपर नहीं केदारनाथ में। तो शाम तक केदारनाथ खत्म हो जाएगा। अब केवल हमारे पास एक जंगल चट्टी और गौरीकुंड का क्षेत्र है जहां पर अभी 300-400 लोग और होने की संभावना है। हमने कुल मिला के सारे रूट में जो है अभी और 500-600 लोग अभी बिखरे उखरे इधर उधर से। तो अब तक जो है कल 857 लोगों को नीचे उतारा है, आज भी जो है 1000 और भी लोग आने की संभावना है। तो बहुत सारे लोग पैदल भी उतारे जा रहे हैं, पुलिस एनडीआरएफ वो भी चल रहा है। तो सारे तरीके से चल रहा है, रोडवेज पैदल हेलीकॉप्टर से सभी तरह से ये यहाँ चल रहा है कार्य। सर चौपर हम देख रहे हैं लगातार आते हैं, जमीन को छूते हैं और फिर से वापस निकल जाते हैं, यानी बहुत तेजी से काम चल रहा है राहत बचाव का। अब ये बताएं कि कुल कितने चौपर इस काम में लगे हुए हैं और किन किन के हैं? कुछ वायुसेना के हैं, मतलब किस किस डिपार्टमेंट से आपके पास आए हुए? करीब 30-40 हेलीकॉप्टर एट अ टाइम लगे हुए हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफी सारे हायर किए हुए हैं। तो प्रभातम है, पवन हंस है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अपना जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट प्लेन चल रहे हैं, वायुसेना के है, आर्मी के चल रहे हेलीकॉप्टर्स। तो करीब ऐसे 30 से 40 के लगभग हेलीकॉप्टर डेली यहाँ ये कर रहे हैं। फिर एक चीज और जानना चाहेंगे, जब से त्रासदी हुई है तब से लेकर अब तक कितने लोगों को यहाँ वहाँ से बचाया जा चुका है? लगभग केवल इस केदारनाथ घाटी में जो है, केदारनाथ से लेके गौरीकुंड केवल इतने ही क्षेत्र में पकड़ा जाए तो अब तक जो पैदल से रोडवे से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है अभी 7000 के करीब, तो उससे ऊपर ही होंगे, मिनिमम 7000 का आंकड़ा है जो बचाया जा चुका है अब तक। कैजुअल्टी अगर बात करें तो क्या आपको कुछ कैजुअल्टीज के बारे में बताया कि अब तक कितनी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं? अभी इसमें कुछ कहने का अनुमान नहीं है क्योंकि अभी पूरा ध्यान जो है वो क्रिटिकल को बचाने के ऊपर, जो रेस्क्यू राहत बचाव कार्य पे ध्यान है, तो अभी इसमें कुछ अनुमान लगाना मुश्किल है। सर बॉडीज भी वहां पर बताया जा रहा है कि काफी सारी हैं, उन बॉडीज के लिए क्या क्या उनका प्लान है फ्यूचर में उनको लेकर? अभी एक दो दिन में जो है उसमें लोकल लोगों के साथ मिलके एक मास्क जो है वो उचित तरीके से जो भी है डीएनए सैंपलिंग, पोस्टमार्टम, पंचायतनामा और जो भी रीति रिवाज के साथ संस्कार के साथ जो है कल में हमारी प्लानिंग है, तो वो भी हो जाएगा कल मास्क में। सर बहुत शुक्रिया आपका मनोज। रात कार्य बहुत ही तेजी से यहाँ पर चल रहा है और मुझे जैसा लगता है कि सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके बड़े अच्छे से अपने काम को निपटा रहे हैं। देखिए जैसा अभी इन्होंने बताया कि आगे अब सिर्फ 300-400 लोग बचे हुए हैं, उसके बाद जो लोग हैं वो कई और बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे आगे की तरफ चौपर से और भी लोगों को लेकर आया है और उनको लगातार यहाँ पर लगाया जा रहा है और राहत का काम लगातार अभी चल रहा है यहाँ पर। राइट पर तुम लोग राहत का काम लगातार जारी है और लगता है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्द ही खत्म हो जाएगा। हम दिखाने की कोशिश करेंगे आगे जाकर कि गौरीकुंड का क्या हाल है, केदारनाथ का क्या हाल है। हम लगातार अपनी यात्रा जारी रखेंगे और मनोज चाहे कितनी भी मुश्किल हो यात्रा हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल मनोज, चाहे कितनी भी मुश्किल हो हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है और ग्राउंड जीरो पर क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे जल्दी। और देखिए इस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।